से मैं अपनी फैट लॉस जर्नी तब से मैं ट्राई करता हूँ बट लास्ट वीक मैंने सोचा क्या हो अगर मैं 10,000 को 25,000 पे ले जाऊँ क्या इससे मेरा फैट ज्यादा बर्न होगा क्या इससे मेरा वेट लॉस होगा क्या इससे मेरे muscles गिरेंगे एंड यही सब के आंसर जानने के लिए मैंने अपने steps increase कर दिए टेन थाउजेंड से ट्वेंटी सात हज़ार कदम चल चुका हूँ मैं एंड इतनी कुछ खास थकान नहीं है बस जब थोड़ा अपहिल टाइप आता है तब थोड़ा सा थकान होती है पर उसके अलावा कुछ नहीं है एंड मैं आईफोन के ऐप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आईफोन के हेल्थ ऐप से मेरे कोई आइडिया नहीं है कि ये कितना ठीक बताता है बट आई गेस इतना महंगा फोन है तो ठीक ही बताता होगा बैक टू वर्क 9000 कदम मैं चल चुका हूँ एंड यहाँ पे गेट है चिराग दहली का मैं तुगल का वाद से आता चिराग दहली का एक गेट है और मुझे नहीं लगता मुझे इस जगह वापस जाना चाहिए अगर आप पहुँचा गेट बंद हो गया तो दिक्कत हो जाएगी तो मैं यहाँ से अब बाहर निकल रहा हूँ एंड उसके बाद हम अपने बाकी के स्टेप्स कम्प्लीट करेंगे मेरा टारगेट है अभी इस टाइम पर बीस हज़ार स्टेप्स चलना क्योंकि जो बाकी के पाँच हज़ार हैं वो शाम के टाइम तक या फिर रात तक कम्प्लीट हो जाएंगे बिकॉज जिम जाना है घर में चलना है बाहर जाना है तो फाइव थाउजेंड वैसे कम्प्लीट हो गया मेरा अभी का टारगेट है बीस हज़ार स्टेप्स चलना और देखता हूँ मैं उसे पूरा कर पाता हूँ मुझे अभी तक कोई ज़्यादा बहुत थकान नहीं हुई है थोड़ा बहुत पसीना आया बीच बीच में क्योंकि यहाँ पर अपील्स वगैरह आती है बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा थकान नहीं हुई है लेट्स so, सी तो सर ऑलमोस्ट 11 बज गए और धूप सर पे आ चुकी है 15,000 स्टेप्स हो गए हैं और अब मैं यहाँ से सीधा घर के लिए निकल रहा हूँ एंड यस अब मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द फील हो रहा है टांगों में एंड बैक पे क्योंकि ये बस्ता भी सुबह से टंगा है इसमें पानी की बॉटल थी अब मैं सीधा घर के लिए निकलूंगा होपफुली घर पर पहुँच जाऊँ जिंदा पही पहीियाँ जाऊँगा बीस कदम हो जाएंगे आई गैस घर पहुँचने तक बाकी पाँच हज़ार तो हम दिन में कर ही लेंगे

डेड हो गया है एकदम खत्म और इस टाइम पे मुझे इतनी थकान फील हो रही है मुझे बस मन कर रहा है मैं लेट के सो जाऊं आगे तक नहीं खोली जा रही है yeah. पच्चीस हजार का तो पूरे नहीं हुआ अभी हुए हैं चौबीस हजार छह सौ और अभी मुझे घर में थोड़ा सा चलना है इसको पच्चीस हजार करना है एंड जैसे ही पच्चीस हजार हो जाएंगे उसके बाद मैं खाना खाते ही सो जाऊंगा एंड कल हम वापस जाएंगे हेलो बोर्ड हेलो बोर्ड से हाय हेलो बोर्ड हाय कैसे कैसे आप कैसे पूछना पड़ेगा पापा से पहले मैं तो ये ले लेता हूँ एक बंदा मिला जिसने मेरे को बताया कि भाई इस जंगल में जैकल्स है जैकल्स, प्रजाति होती है एंड वो काफी खतरनाक होते हैं कभी तो साढ़े नौ चुके हैं दस बजे बंद हो जाएगा मुझे उससे पहले पहले यहाँ से निकलना है कल मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग गई थी तो मैंने सोचा बाहर का खाना की जगह मैं पीनट बटर सैंडविच पैक करा लूँ मैं डाई मैं वही निपटा रहा हूँ उसके बाद मुझे शाम को बाहर जाना है आज तो जहाँ तक मेरे आधे स्टेप वहाँ कंप्लीट हो जाएंगे तो इसलिए अभी मेरा टारगेट है सुबह सुबह बीस हज़ार स्टेप करना क्योंकि आज जिम नहीं है तो शाम का मुझे कुछ भरोसा नहीं है बट मेरे को बाहर जाना है तो मैं सोच रहा हूँ कि फाइव थाउजेंड वहाँ पर हो जाएंगे तो आई मैं पूरे ट्वेंटी थाउजेंड करूँगा दस हज़ार हूँ बाकी हम रोड पर करेंगे मैं हर तीन हज़ार स्टेप्स के बाद एक ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि भाई जो कल पैरों की हालत हुई है ना चलने लायक बचे नहीं है वो और चला भी नहीं जा रहा है ये जो लेग्स के अंदर का एरिया होता है ना वहाँ पे टिड़क 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 आवाजें हो रही हैं चलने पे। डे टू हुआ है और मुझे आज बहुत मुश्किल हो रही है ट्वेंटी फाइव के कम्प्लीट करने में कल बिल्कुल नहीं हुआ था भाई कल ना मुझे थकान हुई थी ज़्यादा ना कुछ लास्ट में पहुँचते पहुँचते थोड़ी सी दिक्कत हुई थी बट इतना कुछ नहीं था देन उसके बाद कल हैवी वर्कआउट हुआ जिम में और अब चला नहीं जा पाया वॉट्स अ बॉयज इट्स टे थ्री और वॉकिंग ट्वेंटी फाइव के स्टेप्स एवरी डे सो फॉर सो गुड दर्द है पा रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा आज मैं उठने में लेट हो गया तो अभी नौ बज चुके हैं एंड अभी तक सिर्फ सात हजार स्टेप्स हुए हैं और मेरा टारगेट है अभी सुबह के टाइम पर एटलीस्ट ट्वेंटी थाउजेंड करने का तो अभी मैं ट्राई करूंगा यहाँ फॉरेस्ट से, से जल्दी से जल्दी बाहर निकलूँ उसके बाद बाकी के स्टेप्स कम्पलीट करूँगा ऑल्सो टॉक अबाउट द रिजल्टिल नाउ अभी तीसरा दिन है दो दिन में जो भी फ़र्क दिखा है वो बहुत अच्छा रहा है मैं अभी नहीं बताऊँगा सीधे वीडियो के लास्ट में सब कुछ बताऊँगा तुम्हें कि कितना इफेक्ट पड़ा है बॉडी पर वेट में एंड यू नो दिखने में सब कुछ तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा और आई गेस एक दो तो दिन में लाइक डे फोर या डे फाइव को मैं इसका एक प्रोज एंड कॉन्स भी तुम्हें बता दूंगा चलने के ताकि यू नो तुम डिसाइड कर पाओ कि क्या तुम्हें चलना है या नहीं चलना है आज नाइन्थ फेब है एंड ऑल ऑफ अ सडन आज बहुत ही सारा कोहरा हो गया दिल्ली में अभी थोड़ी धूप आ गई तो तुम्हें दिखेगा नहीं बट जब मैं सुबह उठा था तो रोड पे मुझे आमने सामने का भी ढंग से दिख नहीं रहा था बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा था कोहरा कह लो पॉल्यूशन कह लो जो भी है वही रखा था राइट बॉयज़ इट्स डे फोर ट्वेंटी फाइव के स्टेप्स सातर स्टेप्स मैं चल चुका हूँ अभी तक आज मैं बहुत ही ज़्यादा लेट आया हूँ नौ बज चुके हैं ऑलमोस्ट और नींद पूरी करनी थी मेरे को तो मैं सात बजे उठाता आज नॉर्मली मैं छः या पाँच बजे उठ जाता हूँ पर आज मैं सात बजे उठाता आज मुझे इतनी थकान नहीं हो रही है कल मैंने बहुत ही हैवी लेग डे मारा था तो मुझे लगा था कि आज मेरे से चला नहीं जाएगा बिल्कुल भी बट उसका बिल्कुल उल्टा हुआ है आज मेरे पैरों में ना कोई दर्द है ना कुछ है आई गेस पैरों को अब इतनी आदत पड़ चुकी है चलने की तो आज कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है मैं ऑलमोस्ट झापना के एंड पे पहुंच चुका हूं अब यहां से मुझे निकल के जाना है नेहरू प्लेस नेहरू प्लेस से मैं जाऊँगा घर और उतने में मेरे पूरे स्टेप्स कंप्लीट हो जाने चाहिए पूरे स्टेप्स से मेरा मतलब है बीस हजार स्टेप्स उसके बाद तो पांच हजार स्टेप्स होते हैं वो हम दिन में कंप्लीट करते हैं ऑल्सो मैं आज एक ब्लॉग भी शूट कर रहा हूँ जो तो पहले चैनल पर देख गया होगा एंड अगर उसे देखना हो तो यहाँ आई बटन में यहाँ यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर लिंक आएगा उस पर क्लिक कर देना एंड अब मैं थोड़ा बेशरम भी होता जा रहा हूँ लोगों के सामने बोलना सीख रहा हूँ ऑल राइट एवरी वन इज डे फाइव ऑफ वॉकिंग ट्वेंटी फाइव के सेफ्स एनर्जी तगड़ी है पर मेरे पैर आज मेरा साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि कल मैं बाहर गया हुआ था और मेरे पैर पूरी तरह से थक गए थे तो आज मेरे में उतनी एनर्जी नहीं हो रही कि मैं इतना ज्यादा चल पाऊँ बट जैसे हमने चार दिन करा वैसे ही हम आज भी अपने ट्वेंटी फाइव के स्टेप्स पूरे करेंगे और अगेन आई मीन जहाँ अपना फॉरेस्ट विद माई बॉयज़ अगर तुम देख सकते हो उन्हें ढेर सारे तोते तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ अभी तक 6000 हज़ार स्टेप्स चल चुका हूँ आज मैं लेट हो गया था क्योंकि मैं सुबह ऐप ट्रेन कर रहा था जिम में मैंने अभी तक एप्स नहीं मारी थी एंड उसका भी एक चैलेंज ही चल रहा है जो तुम्हें होपफुली जल्दी मिलेगा वो 22 डेज़ का होगा तो वो भी तुम्हें मिलेगा तो तई मैं जाता हूँ अपने स्टेप्स कम्प्लीट करता हूँ मैं आप तो मैं तो कल मिलता हूँ तो डे सिक्स एंड डे सेवन मैंने रिकॉर्ड नहीं करा मैं ज्यादा रिकॉर्ड करके तो बोर कर दूंगा डे इट गायब कर दिया एंड उस दिन मैंने टाइम पास करा बस एक दिन की छुट्टी तो बनती है चलने के बाद तो so, रिजल्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोज से पहली चीज इतना ज्यादा चलने के बाद आपको नींद बहुत तगड़ी आने वाली है मैं आराम से आठ घंटे की बेहोशी की नींद सो रहा हूं एंड मैं ऐसा बनता हूं जिसको नींद आती नहीं है रात में खासकर बिल्कुल भी तो मुझे आराम से आठ घंटे की नींद क्योंकि आप थक इतना ज्यादा जाओगे चीज वेट लॉस जो भी लोग ट्राई कर रहे हो वेट लॉस करने का वो डेफिनेटली चलना स्टार्ट कर सकते हो छोटे छोटे स्टेप्स बहुत ज्यादा एड ऑन करते हैं आपकी कैलोरीज में एंड ये जो आप एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न कर रहे हो उससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है फैट लॉस में तीसरी चीज रिलैक्स पीस ऑफ माइंड आप अगर किसी ढंग की जगह पे जाके चलने जाओ जैसे मैं जहां में गया था वहां पे मैंने इतने सारे नए नए दोस्त बनाए कुत्ते बिल्ली सबसे मिला एंड उससे मुझे काफी ज्यादा पीस ऑफ माइंड मिला आप कहीं भी चलते चलते हेडफोन लगा के गाने सुन सकते हो ऑडियो बुक्स सुन सकते हो एंड किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हो सब चीज प्लान कर सकते हो बहुत अच्छा लगता है बहुत ही ईजिली आप सारी प्लानिंग कर सकते हो एंड पीस ऑफ माइंड मिलता है फोर्थ पॉइंट एंड इस पॉइंट पे मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं क्योंकि ये चीज मेरे साथ हुई है बट मैं पक्का नहीं कह सकता कि ये सबके साथ होगी वो है आपके लेग्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उनके साइज में उनके शेप में और ये चीज मेरे साथ हुई है मैं डेली ऑलमोस्ट मैं सर्किट ट्रेनिंग करता हूँ भी फैट लॉस में एंड उसमें डेली ऑलमोस्ट डेली लेग्स होती हैं तो चलने के साथ साथ लेग्स की एक्सरसाइज उसकी वजह से मेरे लेग्स ऑलमोस्ट हर दिन पम्प रहे हैं एंड बहुत तगड़ा इफेक्ट दिखा उनपे उट दिल चीज इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग भाई चलने में बहुत टाइम वेस्ट होता है मैंने पच्चीस हजार मुझे ऑलमोस्ट दिन के पांच घंटे बर्बाद करने पड़े हैं well, बर्बाद नहीं इससे ऑब्वियसली फायदा हुआ है बट यह बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है अगर आप पच्चीस हजार स्टेप चलने का सोचो तो आप पांच घंटे आपके कहीं नहीं गए वो जाने ही वाले हैं तो आई वजेस्ट की आप सीधा पच्चीस हजार ना जाओ दस हजार से स्टार्ट करो बट It is what it is. दूसरी चीज इट इज वेरी हार्ड स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हार्ड होता है धीरे धीरे करके आपको आदत लग जाती है बट जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं पहला दूसरा तीसरा जो दिन होता है उसमें बहुत ज्यादा हार्ड होता है आपका चलने का मन नहीं करेगा भूख लगेगी पैरों में बहुत दर्द होगा एंकल्स में बहुत दर्द होगा सो इट इज हार्ड बट धीरे धीरे करके आपकी बॉडी को आदत लग जाती है तो ये बस स्टार्टिंग के डेज के लिए ही होता है तीसरी चीज ये आपके वर्कआउट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है अगर आप मेरी जैसी कोई ट्रेनिंग कर रहे हो जैसे सर की ट्रेनिंग हो गई या फिर कार्डियो बहुत ज्यादा करते हो तो आपके वर्कआउट पे ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा आप सुबह ही अपने टांगों को खत्म कर दोगे एंड उसके बाद वो इतना अच्छे से काम नहीं करेंगी शाम को जितना आप नॉर्मली उनसे काम करवाते हो सो डेट वॉज अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो आपको चलना है या नहीं एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिजल्ट शैल वी ओके okay, तो सबसे पहली चीज वेट मेरा जो तो स्टार्टिंग वेट था वो था अराउंड 78.3 और 4 समथिंग एंड जो सात दिन बाद जो मेरा वेट था वो था अराउंड 75.9 केजी ऑलमोस्ट मैंने 2 केजी गायब कर दिया सिर्फ और सिर्फ सात दिनों में अब मैं श्योर नहीं हूं कि ये सारा फैट था मसल था क्या था बट इतना वेट गया है बट ये जो पूरा टाइम है जो पूरे सात वीक गए हैं उसमें मैं कैलरी डेफिसिट में था इफ़ यू और सम्मान जो कैलरीज बहुत ज्यादा ले रहे हो या फिर कैलरी सरप्लस में हो तो मुझे नहीं लगता आपको इतना ज्यादा इफेक्ट दिखेगा आपकी बॉडी पे बट अगर आप कैलरी डेफिसिट में हो या फिर मेंटेनेंस पे भी खा रहे हो तो भी आपको काफी ज्यादा इफेक्ट दिखेगा अपने वेट पे दूसरी चीज मेरे पैरों की शेप भाई बहुत अच्छी हो गई है शेप साइज कुछ भी कह लो बट जो भी है मुझे उनमें इंक्रीज देखने मिला है तीसरी चीज मुझे सोचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिला मेरी फेवरेट हॉबी है ये मैं कहीं भी बैठ के कुछ भी सोच सकता हूँ घंटों तक

अपनी हेल्थ थोड़े से अच्छे रास्ते पे ले जानी है तो आप भी ये चीज कर सकते हो आप डेली 25,000 नहीं बट 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने का ट्राई करो ट्रस्ट मी बॉडी पे आपके लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ये इस सीरीज का सिर्फ पहला चैलेंज था ऐसे बहुत सारे चैलेंज लाइन लगा दूंगा मैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट करके बताना अगर आप चलते हो या फिर आप कौन हो या फिर आप नए हो या फिर आप पुराने हो या फिर या वीडियो कैसी लगी सब कुछ कमेंट करूंगा सिया